गुलबर्गा शहर में जिस तरह से आप लोग जानते हैं जनता दल सेक्युलर की तरफ से जो पंचयात्रा यात्रा जो निकाली जा रही है कुमार स्वामी की लीडरशिप में, इसको यहाँ पर लीड कर रहे हैं गुलबर्गा नॉर्थ में जनाब नासिर हुसैन उस्ताद। ये यात्रा नागवेश्वर स्कूल से होते हुए वाया उमनाबाद बेस से मुस्लिम चौक पर जाएगी और मुस्लिम चौक पर एक पब्लिक मीटिंग वहाँ पर रखी गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रोग्राम में हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। नासिर हुसैन उस्ताद की मोहब्बत में तमाम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं और इस रैली से जुड़कर तमाम लोगों का कहना है कि वो साबित करना चाहते हैं कि इस बार जनता दल सेकुलर से नासिर हुसैन उस्ताद की लीडरशिप को वो मजबूत करेंगे और आने वाले 2023 असेंबली इलेक्शन में वो नासिर हुसैन उस्ताद को जिता कर लाएंगे। लोगों के लिए ये रैली एक जवाब है जो ये सोच के बैठे थे कि नासिर हुसैन उस्ताद की सियासत ख़त्म हो गई। आज ये रैली देखे बाद सब के होश उड़ गए असेंबलियों के। आज भी एक दिन की आवाज़ में नासिर हुसैन उस्ताद की इतने हज़ारों की तादाद में लोग जमा हो गए। समझता हूँ गुलबर्गा क्या हुआ आपको नासिर हुसैन उस्ताद का साथ देना चाहिए और यहाँ से MLA बनाना चाहिए। नासिर हुसैन उस्ताद हर मसले पर एक कॉल करिए, आप हर मसले पर हमारा साथ दे रहे हैं, गुलबर्गा की आवाम का साथ दे रहे हैं। गुलबर्गा की आवाम भी यही चाह रही है कि यहाँ से मजबूत क़यादत हो। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में नासिर हुसैन उस्ताद यहाँ के MLA बनेंगे। गुलबर्गा शहर के अंदर सिवाय नासिर उस्ताद के कोई लीडरशिप नहीं कर सकता। ये गुलबर्गा शहर गवाह है। गुलबर्गा शहर गवाह है कि NRCCAA आलंद हर इशू के अंदर मुसलमान हो या दलित हो, हर इंसान के लिए नासिर उस्ताद सिर्फ एक ही लीडर है। नासिर उस्ताद। के नौजवान यही चाह रहे हैं कि होम में अब कोई वैसा लीडर नहीं है तो नासिर उस्ताद आप ही हमारे लीडर है बोल के आज पूरे नौजवान जमा हुए हैं यहाँ पर। और आने वाले असेंबली इंतखाबात में नासिर हुसैन उस्ताद को नौजवान चाह रहे हैं कि हमारा नुमाइंदा अच्छा काबिल इंसान रहे। आने वाले वक्त में नासिर हुसैन उस्ताद ही यहाँ से कामयाब होकर असेंबली पहुँचेंगे इंशाल्लाह। गई थी आज नासिर हुसैन उस्ताद साहब की एक अपील पे आज गुलबर्गे के तमाम नौजवान बुजुर्ग कई सारे हमारे खवातीन बहना वो लोग भी आए हुए हैं। सारा यूथ अपने तरफ से अपने दिल से उठ कर आया है। मैं इस यूथ को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और सलूट करता हूँ कि अपनी तरफ से वो लोग आए हैं, जुड़कर जमा हुए हर एरिया से आए हैं और इस बार 2023 के इलेक्शन में इंशाल्लाह नासिर भाई की जीत होगी। शुक्रिया। गुलबर्गे में ऐसे MLA को वोट देना चाहिए यूथ। मैडम एक ऐसे लीडर है जो ना आँख है ना जो मुंह है ना कान है, ये एक मुख्य MLA है, ऐसे आदमी को वोट देना चाहिए। नासिर उस्ताद एक मार्ग है, पूरे मिल गए बार नासिर हुसैन उस्ताद को वोट देने के। नासिर उस्ताद अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ नेहरूगंज में कसीर तादाद में हज़ारों के लोग यहाँ पे नासिर हुसैन उस्ताद साहब का साथ देने के लिए आए हैं और इस प्रोग्राम को कामयाब करने का जो लोगों का इरादा है। लोगों की मोहब्बत देखिए, लोग इतने जमा हुए हैं हमारा डायनामिक लीडर नासिर हुसैन उस्ताद के लिए। ये लोग इतने जो जमा हुए हैं ये सबूत है नासिर हुसैन उस्ताद से कितनी मोहब्बत करते हैं लोग यहाँ। ये जो है ये लोगों के दिल में मोहब्बत है इस शहर में कांग्रेस को उखाड़ के फेंकने की, क्योंकि माजी में 5 साल जो कांग्रेस ने जुल्म किया है यहाँ पे, जिस तरह के यहाँ के पुलिस स्टेशन यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से फेल है, क्योंकि यहाँ पे
बीजेपी 40% की है और कांग्रेस 15% की है, ये बात तयशुदा बात है। इसीलिए ये लोग घर छोड़कर रोड पर आए हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आज शाम के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि ये आंदोलन ये जिस तरह से आज हुआ है यही आने वाले 3 महीने के बाद में नासिर हुसैन उस्ताद की इसी तरह की एक जीत की रैली भी इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। नासिर उस्ताद साहब के मोहब्बत में जमा हुए हैं, हम सब आने वाले इलेक्शन में नासिर उस्ताद साहब को जिताएंगे और हमारे गुलबर्गा के लिए सबसे बेहतरीन लीडर है हम यूथ के लिए। भाई आने वाले इलेक्शन में 100% 100% 100% क्या है नासिर उस्ताद यहाँ जेडीएस से जीतेंगे बोल के ये बात हम यकीन के साथ बोल सकते हैं। अपील है कि जिस तरह पिछले इंतखाबात में आप लोगों ने एक नुमाइंदे को चुन के भिजाया और 5 साल सिवाय पछतावे के आपको कुछ हासिल नहीं हुआ है, कम से कम आने वाले इंतखाबात में जो है आप सही फैसला लें, कम से कम अपने शहर के फलाबुदी के लिए अपने शहर के डेवलपमेंट के लिए एक सही फैसला लें और नासिर हुसैन उस्ताद से बेहतर कोई नुमाइंदा जो है इस नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी में हो नहीं सकता। आज हमारे और आपके हरदिल अजीज लीडर कर्नाटक के एस चीफ मिनिस्टर कुमार स्वामी साहब पंचरत्न के यात्रा के तहत गुलबर्गा नॉर्थ आए हैं। गुलबर्गा की आवाम जिस मोहब्बत खुलूस के साथ जो जोश यहां पर इजहार कर रही है, मैं तमाम गुलबर्गा की आवाम का मैं शुक्रगुजार हूं। अभी देखो कैमरा घुमा क्या वहां पे गुलबर्गा नॉर्थ में कितना जनसोमा जो है ना इस पे तादाद में लोग जमा हुए हैं। लोगों को ये दोनों नेशनल पार्टी से बेजार आ गया। ये जन सैलाब अगर देखे तो जेडीएस आने का कोई डाउट नहीं है। हम पहले से नासिर उस्ताद के इसमें है और आज भी जो है ना नासिर उस्ताद अच्छा काम कर रहे हैं। आने वाले दिन उन्होंने यहाँ से एमएलए चुन के जो है ना विधानसभा को जाते दिस यात्रा टू कन्विंस द पीपल अबाउट अवर पंचरत्न प्रोग्राम्स। इधर पंचरत्न प्रोग्राम्स फ्री एजुकेशन फ्री हेल्थ देन टू हेल्प फार्मिंग कम्युनिटी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट देन ईच हाउस फॉर एवरी सिटीजन दिस आर 5 programs। In this issue, we wanted to convince the people that if they bless us in the future election, we are going to fulfill all these 5 programs, each family. That is our aim. For that reason only we are conducting this rally.